मथुरा जिले के थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। क्या आपने सुना है कि गैर शादीशुदा युवती विधवा पेंशन ले सकती है? जी हां, हम आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद महिला को विधवा पेंशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे लाभार्थी हैं जिनके पति भी जीवित हैं और विधवा पेंशन का महिलाएं लाभ उठा रही हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर जब शिकायत की गई तो जिले के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिला प्रोविजनल अधिकारी ने SDM गोवर्धन को इस मामले की शिकायत की। जांच आख्या में खुलासा हुआ कि गैर शादीशुदा युवती और कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति जीवित हैं और वो विधवा पेंशन का लाभ कई महीनों से ले रही थी। जिला प्रोविजनल अधिकारी ने SDM गोवर्धन को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की जांच आख्या प्रेषित की है। मामला यही नहीं थमा, गोवर्धन के साथ साथ राधा कुंड में भी करीब 2 दर्जन महिलाएं ऐसी हैं जो बंगाल की रहने वाली हैं और वो भी फर्जी अभिलेखों के आधार पर विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं। फर्जी तरीके से विधवा पेंशन ले रही महिलाओं की शिकायत के आधार पर जांच हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारियों के द्वारा जांच बिठाई गई है। गोवर्धन के लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पे एक दो माता ऐसी हैं जिनका जो है इनकी गलत जो है पेंशन मिल रही है। इस संबंध में जो है हमारे हमने अपने कर्मचारियों को भेज के पता करवाया, तो वहाँ पे जब पता चला तो उन माताओं ने बताया कि जो है हम जानकारी की तो पता चला किसी CSC वाले ने, जो जन सुविधा केंद्र वाले ने, उनसे कागज़ लेके और उसमें जो है कुछ कट पेस्ट करके दूसरे कागज़ लगा के उन्होंने वो पेंशन जो है फॉरवर्ड करा दी। तो फिर मैं एक मटर संज्ञान में आया, उनकी पेंशन काट दी गई और इस संबंध में जो है जाँच के लिए उप जिलाधिकारी जो है गोवर्धन को जो है पत्र प्रेषित किया गया। इस पर जाँच चल रही, जाँच आने पर ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। क्या उनकी शादी हो चुकी है जिन लोगों की? ये जानकारी प्रथम दृष्टया तो ये पता चला है कि उनका विवाह नहीं हुआ था। उनके फर्जी जो है मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के जो है वो जन सुविधा केंद्र वाले ने जो है वो उनके पेंशन जो है वो करवाई है।